दोस्तों, नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों से आपको जरूर बच के रहना चाहिए। मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। विज्ञापन संख्या 46, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही थी और इसके लिए जिस दिन परीक्षा थी, हमारे एक मित्र हैं जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं और अब तो काफ़ी सीनियर भी हो चुके हैं क्योंकि बात विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत है। तो जिस दिन उनकी परीक्षा थी, उस दिन उनके मन में काफ़ी दुविधा थी। उनके जो मित्र थे उनसे कह रहे थे कि बड़े बड़े धुरंधर बैठेंगे इस परीक्षा में, मेरिट बहुत ऊपर जाती है, चयन होना मुश्किल होता है और तमाम बातें उनको बताई गई। फिर भी जब वो मेरे पास आए थे, उसमें मैं हॉस्टल में ही रह रहा था, तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे यही कहा कि अब तुम चुपचाप जाके परीक्षा दे के आओ, बातें ख़त्म। प्रयागराज में ही सेंटर था, परीक्षा दे के आए। आने के बाद उन्होंने काउंट किया कि कितने प्रश्न उनके सही हुए। गांव के रहने वाले थे, कभी प्रयागराज और दिल्ली में रहकर उन्होंने तैयारी नहीं की थी, ना ही उनके पास कोई ऐसा ग्रुप था कि उनको पता चल सके कि मतलब प्रतियोगिता का स्तर क्या है। ठीक है, तो ग्रुप न होने की वजह से बस टोटली वो मेरे ऊपर डिपेंड थे। और मैंने बस उनसे ये कहा कि अगर तुम अभी तक बिल्कुल अपनी तैयारी आँख बंद करके करते आए हो, ग्रुप नहीं है तो ग्रुप के बारे में मत सोचो और जाके परीक्षा दो। 62 प्रश्न उनके सही हुए थे। मैंने उनसे कहा कि अब इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत तैयारी शुरू कर दो क्योंकि 62 काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि लोगों ने उनसे कहा कि 62 से कुछ होना नहीं है, लेकिन बाद में मालूम हुआ था कि ज्योग्राफी में 51 या 52 प्रश्न पर ही चयन हो गया था और अंततः वो चयनित हो गए। इंटरव्यू में उनके अंक थोड़े कम आए थे, लेकिन ऑल ओवर उनका चयन हो गया और अब वो एक शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब किसी को भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, बशर्ते कि आप कुछ बातों को अपने गांठ बांध लें। पहली बात ये कि नकारात्मक लोगों की ना सुने। देखो, यहाँ पर लोग आपको अगर हतोत्साहित कर रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको ट्रैक से हटाना चाहते हैं, तो उनकी तो बात बिल्कुल भी आपको नहीं सुननी है। दूसरी बात, मेरिट हाई जाएगी और कभी कभी ये भी होता ना कि पेपर लीक हो गया या नकल होता है, ये सब कुछ नकारात्मक बातें आपको सुनने को मिलती हैं। इन सब चीज़ों से बिल्कुल ना डरें। मेरिट हाई जाती है, अच्छी बात है, इसका मतलब सीरियसली लोग तैयारी कर रहे हैं। और नकल कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आपने देखा कि नकल कभी न्यूज आ जाएगी कि हाँ नकल हुई, नकल नहीं हुई, तो क्या हम मरने के डर से जीना छोड़ देंगे? जो होना होगा होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी बंद कर दें, ये सबसे बुरी बात होगी। मतलब ये तो यही हो गया कि लड़ाई का नाम सुनते ही आपने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर नहीं करना है, अंतिम सांस तक युद्ध करना है। और अगर ये सब बातें दिमाग में आती भी है ना कि मेरिट हाई जाएगी, नकल, तो कोई बात नहीं, इसको हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी है, आपको फैसला लेना है, आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी मुश्किलें हैं, आप ही दूर करेंगे, कोई दूसरा इसको दूर करने नहीं आएगा। और एक बात और भी कि आप अपने लक्ष्य की ओर देखेंगे तो आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, परेशानियों की ओर देखेंगे तो परेशानियां आपके रास्ते में आएंगी। आप देखते क्या हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अपना मनोबल कभी भी गिरने ना दें लोगों की बातों को सुन सुन के, या फिर कभी कभी जैसे कि अभी हाल ही में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तो इन सब बातों का फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी, अपना ज्ञान प्रतिदिन बढ़ाते रहें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहें। आपका जो मुकाबला है वो किसी और से नहीं, अपने आप से है। अपने आप में प्रतिदिन 1% इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करें। और अगर आप इतनी बातों को ध्यान से अपनी ज़िंदगी में उतार सकें तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसी दुनिया के लोग प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी प्राप्त करते हैं जिनका एकेडमिक भी अच्छा नहीं रहा और जो लगातार 10-15 परीक्षाओं में, 20 परीक्षाओं में 5-10 साल तक तैयारी करने के बाद सफल हुए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एयरटेल पोस्टपेड ग्राहकों की ढीली करनी पड़ेगी जी। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अब जियो के बाद एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपने रिचार्ज रेट को बढ़ा दिया है और यहाँ पर लगभग जो एयरटेल और वोडाफोन रिचार्ज रेट हैं बिल्कुल समान हो चुके हैं। तो फिलहाल अब ये सारी नई दरें बहुत जल्द लागू हो जाएंगी और 3 जुलाई से पहले अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं तो आपको पुराने दर का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नई दरें जो हैं वो आप देख रहे हैं। सबसे लोकप्रिय जो प्लान होता था 84 दिनों का एयरटेल और वोडाफोन का, 719 रुपये वाला, वो अब 140 रुपये महंगा हो गया है, वो हो गया 869 रुपये। फिलहाल अब ये कंपनियां हैं और इनको ये लग रहा है कि हम अपनी दरें बढ़ाएंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। अभी हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है, उसके जस्ट बाद कंपनियों ने अपनी दरें बढ़ाई हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको भी बचने का एक तरीका है, कई लोग 2 सिम यूज करते हैं तो अब 1 सिम पर शिफ्ट होने का समय आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। खैर,
दुनिया में सारी चीज़ें आपकी पसंद के मुताबिक नहीं होंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी रहेंगी, तो उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी दुश्वारियों से निपट नहीं पा रहे हैं तो ये मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप निपट नहीं सकते हैं। हाँ, आप निपटना चाहें, निर्णय ना लेना चाहें, वो बड़ी बात है। चाणक्य ने कहा था कि निर्णय ना लेना ये सबसे गलत निर्णय है। एक निर्णय जरूर लें, चाहे वो गलत ही साबित क्यों ना हो जाए, लेकिन निर्णय जरूर लें, क्योंकि ये निर्णय आपको आगे बढ़ने का एक कारण देता है। यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगी। तो नीट परीक्षा पर विवाद के बीच एनटीए ने यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। पेपर लीक से बचने के लिए एनटीए ने पूरी परीक्षा अब कंप्यूटर बेस्ड कर दी है, यानी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। एनटीए के नए कैलेंडर के मुताबिक ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी परीक्षा अब 25 जुलाई से 27 जुलाई 2024 के बीच कराई जाएगी और यह परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। इसके अलावा एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को करवाई जाएगी, ठीक है। एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को होगी। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन पहले की ही तरह 6 जुलाई को होगा। इससे पहले नेट की परीक्षा 18 जून को 2 शिफ्टों में हुई थी, लेकिन अगले ही दिन इसे रद्द कर दिया गया था। तो अब बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाएं। यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा जो कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हो रही है, तो अब ये परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग अभी से कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। एमटीएस और हवलदार के 8326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी, 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के विभागों में एमटीएस और हवलदार के 8326 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो 16 और 17 अगस्त को संशोधन हो सकता है। इस पर मैंने आपको सारी जानकारी एक वीडियो में उपलब्ध करवा दी है। और चयन के लिए अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा देनी होगी। हवलदार के कुल 3439 पद हैं। इन पदों के लिए आयु हवलदार के लिए 18 से 27 साल, बाकी जो एमटीएस के पद होते हैं उस पर 18 से 25 साल की उम्र। नियमानुसार ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट भी मिलती है। तो इस प्रकार से आप आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में भी आता है पेपर। और चयन प्रक्रिया क्या होती है तो आपको बता दें कि एमटीएस और हवलदार की परीक्षा एक साथ होती है। इसका प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 45-45 मिनट का 2 खंडों में होगा। पहले खंड में 20-20 प्रश्न गणित और रीजनिंग के होंगे। दूसरे खंड में 25-25 प्रश्न सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें सफल होने वाले एमटीएस के अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, जबकि हवलदार का विकल्प देने वालों का फिजिकल और मेडिकल भी होता है, ठीक है। और ये आज की न्यूज, आज के अखबारों से ली गई न्यूज है। और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।